सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज गणपति उत्सव का हमारे घर पे तीसरा दिन है और आज बप्पा का विसर्जन है। पर एनीवेज वो सारी चीज़ें बाद में है। हाँ 2.5 दिन का गणपति है ना, तो आज विसर्जन हो जाएगा ना। तो खैर हमारे घर की पूजा हो चुकी है। महादेव पूरी तरीके से फूलों से सुसज्जित हैं, यहाँ पे भोग लग गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड अब जो है हमारे बप्पा की आरती होने वाली है। पहले बप्पा के दर्शन आप ले लीजिए, है ना, एकदम सुंदर, फर्स्ट क्लास, बढ़िया एकदम। जय हो बप्पा, श्री गणेशाय नमः। हमारी आरती हो चुकी है, अभी सभी को आरती मिल रही है। मम्मी जो है आरती दे रही हैं। एंड ये रहे हमारे आज बप्पा, बप्पा का श्रृंगार कुछ इस तरीके से, सामने से बताता हूँ। इस तरीके से ये हमारे बप्पा का श्रृंगार हुआ है आज। नए फूल, नए वस्त्र एंड सब कुछ नया नया, फर्स्ट क्लास। तो बस बप्पा को वैसे भी भोग लग गया है, आज भोग में चढ़ाया है पूरी, चना मसाला, हलवा और मोदक जो है लगेंगे। अरे बाप रे, जय हो बप्पा, जय हो बप्पा। तो दिखा दे, दिखा दे, सबको दिखा दे। तो बस भगवान को भी भोग लग गया है और अब हम जो है अभी प्रसाद ग्रहण करेंगे जी। आज के नाश्ते में है पूरी, चना मसाला, चाय और हलवा। हलवा वहां पर है तो हलवा लास्ट में लूंगा। ये वही चीजें हैं जो भगवान को भोग में चढ़ी थी। तो बस अभी से खाते हैं, फिर तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। मोरिया। ऑलराइट, तो जी हमारे घर पर आए हैं शुक्ला अंकल जी। एंड शुक्ला अंकल का इंस्टाग्राम भी है एंड ये काफी क्रिएटिव हैं। पहले फोर्स में थे, अब फिलहाल सर्विस कर रहे हैं एंड अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छी चीज़ें करते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है। तो हमारी बिल्डिंग में हम दो क्रिएटिव हैं, एक मैं हूँ, एक अंकल हैं। हाँ मैं तो अंकल ब्लॉग करता हूँ, ब्लॉग करता हूँ, रील्स वगैरह भी बना लेता हूँ थोड़ी, लेकिन वो ट्रैवल ब्लॉग, ट्रैवल रील्स होती हैं मेरी, ज़्यादा नहीं होती। देखा मैं इनको कहाँ देखा, सुनीला मैं एक ही बार आपको वहां देखा था, अच्छा ये जो हाँ ना लग रहा है, हाँ और ध्यान लगा यार, हाँ तो मेरा इशारा तो आपने ये किया, लाइक किया, लाइक किया है। हाँ ओ उनका लगा है, तब मैं देखना शुरू हाँ किया था। अच्छा तो ब्लॉगिंग आप अच्छा है, वही करते हैं बहुत अच्छे कर स्टाइल में अपना बात करना, जानते हो उसमें आगे बढ़ सकते हैं आप, सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, सही आगे बात क्या है। ना, जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे कोई चीज है पा रखा है और आपका वो जो शीशा नहीं होता, वो जो शीशा से हम लोग हाथ लगाते हैं ना, एक जगह अगर रखते तो आग लग जाता है ना वहाँ, सही बात है, ऐसे एकदम ध्यान से अगर इसमें आप फोकस दे दोगे ना, तो हम जो मेरे साथ शुरू करता जो लड़का है मनोज डे करके, उसका आप नाम सुना हाँ होगा, हाँ वो लड़का जो शुरू करता मेरे साथ 4 साल पहले, आग अपना घर लिया, अपना सही बात है, अपना काम लिया, कारोबार सब उसी यूट्यूब से सीखा यूट्यूब से ही हो गया आपने, उसका, सही बात है। पूरा लेकिन जो इसका बारीकी जानता वही मजा लेगा, हाँ नहीं जानता वो ऐसे जानबूझ के करके अपना छोड़ देगा, छोड़ देगा, उसमें सही मतलब बात नहीं है। है, लेकिन जो जानता है उसको अंदर हो जाएगा, एकदम उसी में लग जाएगा, फोकस हो जाएगा, कोई इंजीनियर पढ़ाई जितना करो ना उससे ज्यादा इसमें उससे ज्यादा कमा लेगा, सही बात है। लगना पड़ेगा, लगना पड़ता है, हर दिन डालनी पड़ती है, हर दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, तो हो श्री जाता है गौरव अपने आप। वेरी गुड, थैंक थैंक यू सो मच, यू थैंक यू थैंक यू थैंक फॉर यू सर, थैंक शुक्ला जी थैंक यू सर, थैंक यू अग्गद, बाय बाय। तो जी ये थे हमारे शुक्ला अंकल जी, बहुत क्रिएटिव एंड सुपर इंसान। तो जी घड़ी में लगभग बज रहे हैं 6:25 एंड शाम का वक्त हो चुका है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी लाइटिंग लगी हुई है, रिंग लाइट है एंड ट्राईपॉड है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ट्राई वो चल रहा था, फोटोशूट, पापा का फोटोशूट हो गया है एंड मेरा भी जो है फोटोशूट हो गया है हमारे प्रिय बप्पा के साथ। बप्पा के एक बार दर्शन देख लीजिए, कर लीजिए, आई मीन देखिए हमारे प्यारे से बप्पा जी। हाँ तो भाई जैसा आप लोगों को पता है दैट कि घर पर
ढाई दिन के जो है गणपति होते हैं अपने, पहले 1.5 दिन के हुआ करते थे, अभी 2.5 दिन के हुए हैं, एंड आज जो है पापा का अपने घर पर आखिरी दिन है. सो रियली सैड अबाउट इट, बट यस दिस इज़ अ रिचुअल एंड वी हैव टू फॉलो इट. ना चाहते हुए भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. तो हाँ, आज पापा का जो है हमारे घर पर आखिरी दिन है. हमारा क्या है, सब इन्हीं का ही है, इनके घर पर जो है आखिरी दिन है. तो बस अभी इनके विसर्जन की जो है वो तैयारियाँ शुरू करनी है. पंडित जी तकरीबन 6:30 या 7 बजे के करीब जो है वो आ जाएंगे, एंड उससे पहले जो है विसर्जन की तैयारियाँ हम कर लेंगे मेरे ख्याल से. तब बाहर, तो तब जो है हमने बाहर प्रिपेयर कर दिया है, पानी इसके अंदर डाल दिया है. अब जो है ना, अब जो है इसके अंदर हम डालेंगे गंगा जल और फूल डालेंगे. फूलों से अच्छी तरीके से इसे सुसज्जित कर देंगे ताकि बप्पा जो है इसमें अच्छी तरीके से विसर्जित हो पाए. एंड फिर उसके ऊपर जो है वो एक लाल कपड़ा बिछा देंगे जैसे विसर्जन होगा उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देंगे. एंड तकरीबन 2 या 3 दिन लगेंगे मेल्ट होने के लिए, एंड फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा. तो चलिए अब इसके अंदर गंगा जल डालते हैं, फूल डालते हैं और इसे विसर्जन के लिए प्रिपेयर करते हैं. हमारी रंगोली जो है बनके तैयार है चारों तरफ, एंड हमारा टब जो है तैयार है विसर्जन के लिए. एंड इसमें जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, सो थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना पानी डालते हैं. पाइप वाला पानी आ रहा है. तो जी हमारा फोटोशूट हो गया है एंड इट वॉज लवली. एंड सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे पड़ी हुई थी, ट्राईपॉड लाइट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें निकाल दी हैं. पंडित जी को बस 15 से 20 मिनट लगेंगे घर पर पहुँचने के लिए. तब तक आरती की तैयारी, भगवान की फाइनल आरती की तैयारी जो है चल रही है. एंड ये फोटोग्राफ्स आपको कहाँ देखने मिलेगी, फोटोग्राफ्स आपको देखने मिलेगी इंस्टाग्राम पेज पर. तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम का हैंडल जो है ना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. ये सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, आई नो दैट कि आप आगे भी नहीं करोगे, आई नो इट वेरी वेल, बट स्टिल बोलने का फ़र्ज़ होता है, तो बस कर लिया करो. बाकी तो खैर जैसे आपकी मर्जी. शुभ लाभ. ओम प्राणाय नमः, अपानाय नमः, ज्ञानाय नमः, दानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः. भोज्यताम 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 परमेश्वरः पुत्रापूर्णम गुरुवो नमः रक्षालम रक्षालम अर्पयामि. करोत वर्तनार्थे गंधर्व पुष्पाणि हिते समर्पयामि. ऋतुफलानि हिते समर्पयामि. ऋतुफलान्ते आत्मनियञ्जलम अर्पयामि. आत्मनियञ्जलान्ते दासमानं दच्छान्ते समर्पयामि. दो चम्मच जल घुमाने से चंद्रमा मनसो Thank you.
गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, मोरिया रे बाप्पा, मोरिया रे, 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 गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, 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 गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, देवा ठाकुर आरती, रत्न जड़ित सिंहासानी, रत्न जड़ित सिंहासानी, गणपति मूर्ति भूपति खजानाया था ठाकुर आरती, देवा ठाकुर आरती, रत्न जड़ित सिंहासानी, रत्न जड़ित सिंहासानी, गणपति मूर्ति कर्पूर गौरवारम संसार सारम मुरारम साध संतम हरियार विंदे भवानी सिदम एक बार उल्टा ऐसे नारियल को तोड़ करके गणपति नारियल का पानी गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, कपड़ा कपड़ा ला।